हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मेधा एक्टिविटी चैनल। इस बार मैंने बहुत दिनों के बाद वीडियो बनाया है और आज हम सीखेंगे रूबिक क्यूब को कैसे सॉल्व करते हैं। रूबिक बहुत सारे लोगों के पास रूबिक क्यूब तो होता है पर उसे सॉल्व करना नहीं जानते, तो आज हम लोग यही सीखने वाले हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले और अपने कमेंट बॉक्स में जरूर लिखे। तो चलिए रूबिक क्यूब सॉल्व करना चालू करें। क्यूब में इसे फ्रंट लेयर कहा जाता है, इसे राइट लेयर, इसे लेफ्ट लेयर, इसे टॉप लेयर और इसे बॉटम लेयर। ये सेंटर पीस होता है, ये कॉर्नर पीस और ये एज पीसेस। ये तीन मेन पीसेस होते हैं, इन्हें हम क्यूब सॉल्व करने में इस्तेमाल करेंगे। क्यूब सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें येलो को टॉप पे रखना है और व्हाइट को बॉटम में, और हम लोग येलो सेंटर पीस के साथ व्हाइट का प्लस बनाएंगे। व्हाइट का प्लस बनाने के लिए अभी मेरे पास एक भी व्हाइट एज पीसेस अपनी जगह पे नहीं है, मुझे सबको अपनी जगह पे लगाना पड़ेगा। तो मेरा एक व्हाइट एज पीसेस यहाँ है और मुझे उसको फिट कर सकती हूँ मैं यहाँ। यहाँ फिट करने के लिए अगर मैं उसे ऐसे टर्न करूँ तो ये देखिए आराम से फिट हो जा रहा है। ये यहाँ था, मैंने इसको एक बार 90 डिग्री टर्न किया तो ये यहाँ हो जा रहा है। आप देख सकते हैं मेरा एक एज पीस व्हाइट एज पीस यहाँ अपनी जगह पे लग गया है। अब एक और एज पीस मेरा यहाँ है, अब इस यहाँ दोनों है मेरे। तो इसे हम सॉल्व करने के लिए एक बार 90 डिग्री पे टर्न करेंगे। फिर देखिए अपना फेस टू फेस आ गया है। फिर एक बार हम लोग इसको 90 डिग्री टर्न किए तो आप देख सकते हैं मेरा फिर से यहाँ एज पीस आ गया है। एक और एज पीस यहाँ है, यहाँ तो हमने एक पीस लगा दिया है तो हम इसे फेस टू फेस यहाँ कर देंगे। अब आप देख सकते हैं मेरा ये व्हाइट पीस यहाँ फेस हो गया है, तो मैंने इसको फिर से अपनी जगह पे लगा दिया। आप देख सकते हैं मेरे तीन एज पीसेस अपनी जगह पे फिट हो गए हैं। और लास्ट मेरा एज पीस है यहाँ, तो इसे हम लोग दो बार टर्न करेंगे, फिर से अपने फेस की फेस लाएंगे और फिर हम इसे एक बार टर्न कर देंगे। आप देख सकते हैं मेरा व्हाइट येलो सेंटर के साथ व्हाइट का प्लस बन गया है। हमारा व्हाइट का प्लस बनने के बाद हम एज पीसेस को अपनी कलर के साथ मैच करके उसे 180 डिग्री पे टर्न करेंगे। तो ये देखिए मेरा एक एज पीस का कलर है रेड, तो ये पहले से ही अपना रेड रेड सेंटर पीस के साथ मैच है, तो मैं इसे 90-180 डिग्री पे टर्न कर दूंगी। तो आप देख सकते हैं मेरा ये नीचे बॉटम पे आ गया है। फिर से मैं येलो को टॉप लेकर ब्लू एज पीस को अपने एज पीसेस सेंटर पीसेस के साथ मैच करूंगी। ब्लू और ऑरेंज है तो ये गलत है, ये ब्लू और ब्लू है तो ये सही एज पीस है। मैं इसे फिर से 180 डिग्री पे टर्न कर दूंगी, 90-180 डिग्री। फिर ये ग्रीन और रेड है, ये ग्रीन और ग्रीन मैच हो गए, फिर मैं इसे 180 डिग्री पे टर्न कर दूंगी, 90-180 डिग्री। ये पहले से ही मैच है, फिर मैं इसे 180 डिग्री पे टर्न कर दूंगी। तो आप देख सकते हैं कि मेरा नीचे व्हाइट का व्हाइट प्लस हो गया और ये सब भी अपने अपनी जगह पे मैच है। तो ये मैच होने के बाद हमें अब व्हाइट कॉर्नर पीसेस को अपनी जगह पे लगाना है। व्हाइट कॉर्नर पीसेस को लगाने के लिए हम लोग फिर से येलो को टॉप पे लेंगे और व्हाइट को बॉटम पे। अब हमें जो फ्रंट लेयर पे टॉप लेयर पे फ्रंट साइड पे जो भी व्हाइट होंगे हमें उसे देखना है। ये देखिए मेरा एक व्हाइट यहाँ है और मेरे पास कोई भी फ्रंट लेयर पे व्हाइट नहीं है, एक व्हाइट है मेरा फ्रंट साइड पे और टॉप लेयर पे। तो मैं इसे इसका कलर देखना है, पहले इसका कलर है ऑरेंज और ब्लू, तो इसे ऑरेंज और ब्लू सेंटर पीसेस के बीच में लाना है। तो देखिए ये ऑरेंज और ब्लू सेंटर पीसेस के बीच में आ गया है, ये ऑरेंज और ब्लू है और ये भी ऑरेंज और ब्लू है। जब ये अपनी जगह पे आ जाए तो फिर हमें इससे, अगर ये राइट साइड पे है तो हमें इसे लेफ्ट साइड पे टर्न करना है, और अगर ये लेफ्ट साइड पे है तो हमें इसे राइट साइड पे टर्न करना है। ये मेरा लेफ्ट साइड पे है तो मैं इसे राइट साइड पे टर्न करूंगी और फिर अपना जहां हमें इसे फिट करना था उसे ऊपर ले लूंगी। अब फिर इसे अपनी जगह पे फिट कर दूंगी और फिर इसे नीचे ले लूंगी। तो आप देख सकते हैं कि मेरा ये कॉर्नर पीस एकदम करेक्ट जगह पे लग गया है, इसके कलर्स भी मैच हो रहे हैं। तो नेक्स्ट कॉर्नर पीस लगाने के लिए हम लोग ये लेंगे, देखिए फ्रंट साइड पे है और टॉप लेयर पे भी है। तो मैं इसका कलर देखूंगी, इसका कलर है ब्लू और रेड, तो मैं इसे ब्लू और रेड सेंटर पीसेस के बीच में लाऊंगी। अब देखिए ब्लू और रेड सेंटर पीसेस के बीच में आ गया है, ये ब्लू और रेड और ये भी ब्लू और रेड। ये बीच में आने के बाद हम लोग देखिए ये राइट में है तो मैं इसे लेफ्ट पे टर्न करूंगी और फिर नीचे वाला ऊपर लूंगी। अब इस खाली प्लेस पे हम लोग फिर से इसे अपनी जगह पे लगा देंगे। अब देखिए मैच होने के बाद हमें फिर से इसे नीचे डाल देना है।
आप देख सकते हैं कि मेरा फिर से ये कॉर्नर पीस एकदम करेक्ट जगह पे है और इनके कलर भी मैच हो रहे हैं। फिर मेरा नेक्स्ट फ्रंट और टॉप लेयर पे है ये कलर, तो इसका कलर है रेड और ग्रीन। तो इसे रेड और ग्रीन, पहले से ये रेड और ग्रीन सेंटर पीस इसके बीच में ही है, तो मैं फिर से वही मेथड फॉलो करूंगी, राइट साइड को लेफ्ट साइड में टर्न करूंगी, फिर इसे ऊपर लाके इसे अपनी जगह पे लगा दूंगी और फिर इसे नीचे ले लूंगी। तो ये भी मेरा देखिए कलर एकदम सही जगह पे फिट हो गया है। अब मैं ये लास्ट बचा है इसे भी अपनी जगह पे फिट कर दूंगी। इसका कलर है ग्रीन और ऑरेंज, तो मैं इसे ग्रीन और ऑरेंज के बीच में ला दूंगी और फिर से ये राइट साइड पे है तो मैं इसे लेफ्ट साइड पे टर्न करूंगी, नीचे वाले को ऊपर लाऊंगी, फिर इसे अपनी जगह पे लगा दूंगी, फिर इसे नीचे ले लूंगी। तो आप देख सकते हैं मेरा नीचे का बॉटम लेयर पूरा टोटल हो गया और मेरे सब कलर्स भी मैच है। फर्स्ट लेयर सॉल्व हो जाने के बाद मैं सेकेंड लेयर को सॉल्व करूंगी। सेकेंड लेयर सॉल्व करने के लिए हमें एज पीसेस को अपनी जगह पे लगाना है। तो हम सेकेंड लेयर सॉल्व करने के लिए नॉन येल्लो एज पीसेस को चेक करेंगे। जैसे देख सकते हैं ये मेरा रेड और ग्रीन है तो ये नॉन येल्लो पीस है, इसमें येल्लो है तो हमें ये नहीं लेना है, इसमें भी येल्लो है तो हमें इसे भी नहीं लेना है, इसे भी नहीं ले सकते, ये एक ही है हमारे पास। तो हमें इसके कलर देखना है, इसका कलर है रेड और ग्रीन, तो ये पहले से ही अपनी जगह पे मैच है। देखिए ग्रीन ग्रीन मैच हो रहे हैं और देखिए इसका जगह कहाँ है, यहाँ पे, क्योंकि रेड और ग्रीन और ये रेड और ग्रीन के बीच में आएगा, तो इसकी जगह सही जगह यहाँ पे है। इसकी सही जगह पे लगने के लिए ये मेरा लेफ्ट साइड पे है तो मैं इसे राइट साइड पे टर्न करूंगी, फिर नीचे वाला जो व्हाइट पीस है उसे ऊपर लाऊंगी, फिर इसे अपनी जगह पे लगाऊंगी। ये देखिए व्हाइट ग्रीन ग्रीन मैच हो गया, फिर इसे नीचे ला दूंगी। आप देख सकते हैं कि मेरा ये व्हाइट पीस यहाँ आ गया है। ये व्हाइट पीस यहाँ आने के बाद मैं अपने फ्रंट लूंगी ये व्हाइट पीस, फिर अगर ये राइट में है तो इसे लेफ्ट पे टर्न करूंगी, नीचे वाले को ऊपर लाऊंगी और फिर से इसे अपनी जगह पे लगा दूंगी। ये जगह पे लगने के बाद फिर इसे नीचे ले लूंगी। तो आप देख सकते हैं कि ये मेरा एकदम करेक्ट जगह पे लग गया है। तो अभी हम और एज पीसेस को सॉल्व करेंगे। देखिए मेरा नॉन येल्लो ये है, ये देखिए ये मेरा नॉन येल्लो है, ये नॉन येल्लो है, ये इसका कलर है ऑरेंज और ब्लू, तो मैं इसे ऑरेंज और ब्लू के साथ मैच करूंगी। देखिए ब्लू ब्लू मैच हो गया और ये ऑरेंज और ब्लू यहाँ इसकी जगह करेक्ट जगह यहाँ है, इसकी करेक्ट जगह यहाँ है। तो ये राइट लेफ्ट साइड पे है तो हम इसे राइट साइड पे टर्न करेंगे, फिर नीचे वाला ऊपर लाएंगे, फिर इसे अपनी जगह पे लगाएंगे। देखिए मैच हो गए और फिर इसे हम लोग नीचे अपनी जगह पे फिट करेंगे। ये होने के बाद हम लोग व्हाइट को अपने फ्रंट पे लेंगे फेस टू फेस और फिर इसे अगर ये राइट पे है तो इसे लेफ्ट पे टर्न कर देंगे और अगर लेफ्ट पे है तो राइट पे। मेरा राइट पे था इसलिए मैंने लेफ्ट पे टर्न किया और इसे ऊपर ले लिया और फिर अपनी जगह पे फिट करने के बाद हमें इसे नीचे ले लेना है। तो आप देख सकते हैं ये भी मेरा एकदम करेक्ट जगह पे फिट हो गया है और ये कलर्स भी मैच हो रहे हैं। इसके बाद हम लोग लेंगे ये वाला कलर, इसमें भी नॉन येल्लो है, ये ऑरेंज और ग्रीन है, फिर से ये अपनी जगह पे मैच ही है। तो ये इसकी सही जगह है यहाँ राइट साइड पे है इसकी सही जगह। तो अगर ये राइट साइड पे है तो हमें इसे लेफ्ट साइड पे टर्न करना है और राइट साइड को ऊपर लेना है, एक बार टर्न करना है जैसे ये मैच हो गए, फिर इसे अपनी जगह पे लगा देना है, फिर व्हाइट को फेस टू फेस लेना है, फिर अगर ये लेफ्ट साइड पे है तो इसे राइट पे टर्न करना है, नीचे वाले को ऊपर लेके इसे अपनी जगह पे फिट कर देना है और फिर इसे अपनी जगह पे। तो आप देख सकते हैं मेरा ये कलर भी एकदम सही जगह पे फिट हो गया है। तो अब मेरा लास्ट है ये ब्लू और रेड, तो मैं इसे रेड टू रेड मैच कर दूंगी। इसकी सही जगह है यहाँ क्योंकि ये ब्लू और रेड है और ये भी ब्लू और रेड है, तो इसे इस जगह पे फिट करने के लिए ये लेफ्ट साइड पे है तो मैं इसे लेफ्ट राइट साइड पे टर्न करूंगी, लेफ्ट साइड को ऊपर लूंगी, फिर इसे अपनी जगह पे रेड टू रेड कर दूंगी। इसे अपनी जगह पे लगाने के बाद मैं व्हाइट को अपने फेस टू फेस लूंगी और इसे फिर ये राइट साइड पे है तो इसे लेफ्ट साइड पे टर्न करके ऊपर लेके इसे अपनी जगह पे फिट करके फिर इसे अब नीचे ले लूंगी। तो आप देख सकते हैं मेरा पूरा ये अच्छे से हो गया और मेरा सेकंड लेयर भी सॉल्व हो गया। देखिए कलर मैच है, ये भी कलर मैच है और ये भी कलर मैच है, तो मेरा पूरा सेकंड लेयर हो गया है। सेकंड लेयर सॉल्व होने के बाद हम लोग सॉल्व करेंगे थर्ड लेयर। थर्ड लेयर सॉल्व करने के लिए हमें येल्लो का प्लस बनाना पड़ेगा। आप देख सकते हैं कि मेरे दो एज पीसेस अपनी जगह पे है तो मुझे दो एज पीसेस को अपनी जगह पे लगाना है। हमें प्लस बनाने के लिए इस स्टेप को फॉलो करना पड़ेगा। तो स्टेप है फ्रंट क्लॉक, राइट क्लॉक, टॉप क्लॉक, फ्रंट राइट अनक्लॉक, टॉप अनक्लॉक, फ्रंट अनक्लॉक।
तो आप देख सकते हैं कि मेरा एक ही बार स्टेप फॉलो करने के बाद मेरा प्लस बन जा रहा है। अगर आपका एक बार से स्टेप फॉलो करने के बाद प्लस ना बने तो आप इसे 2-3 बार भी फॉलो कर सकते हैं। तो ये प्लस होने के बाद हम लोग कलर मैच करेंगे एज पीसेस के सेंटर पीसेस के साथ। तो ये रेड कलर है और ये ब्लू, तो ये अनमैच है, तो मैं इसे रेड के साथ मैच कर दूंगी। अब हम देखेंगे कौन सा कलर हमारे मैच हो रहे हैं। ये रेड मैच है और कोई भी कलर हमारे मैच नहीं हो रहे हैं। तो अब देखते हैं ग्रीन के साथ, अगर हमने ग्रीन को ग्रीन के साथ मैच किया तो कौन से कलर मैच हो रहे हैं। ग्रीन ग्रीन मैच हो रहा है और ऑरेंज मैच हो रहा है, और ये दोनों कलर मैच नहीं हो रहे हैं। तो इसके लिए हम लोग अलग स्टेप फॉलो करेंगे। तो ये स्टेप है राइट क्लॉक, टॉप क्लॉक, राइट अनक्लॉक, टॉप क्लॉक, राइट क्लॉक, टॉप 2 times अनक्लॉक, देन इसको अपनी जगह पे बैठा देना है। आप देख सकते हैं अब मेरा पूरा सबके एज पीसेस अपने सेंटर पीसेस के साथ मैच हो रहे हैं। जैसे ये ब्लू ब्लू, ये रेड रेड, ये ग्रीन ग्रीन और ये ऑरेंज ऑरेंज, तो मेरे अभी सब मैच हो गए हैं। सब मैच हो जाने के बाद हम लोग सॉल्व करेंगे कॉर्नर पीसेस। कॉर्नर पीसेस को अपनी जगह पे फिट करने के लिए हम लोग ये स्टेप फॉलो करेंगे। राइट क्लॉक, टॉप अनक्लॉक, लेफ्ट क्लॉक, टॉप क्लॉक, राइट अनक्लॉक, टॉप अनक्लॉक, लेफ्ट अनक्लॉक। तो आप देख सकते हैं फिर से अपनी ये ऑरेंज को ऑरेंज फिट करना है। आप देख सकते हैं कि मेरा एक कॉर्नर पीस एकदम मैच हो गया है, ग्रीन के साथ ग्रीन, ऑरेंज के साथ ऑरेंज और येलो के साथ येलो। तो हम जो मैच पीस है उसे हम लोग लेफ्ट साइड पे रख के फिर अपना स्टेप फॉलो करेंगे। राइट क्लॉक, टॉप अनक्लॉक, लेफ्ट क्लॉक, टॉप क्लॉक, राइट अनक्लॉक, टॉप अनक्लॉक, लेफ्ट अनक्लॉक। तो फिर ग्रीन से ग्रीन मैच करके आप देख सकते हैं इसमें मेरा कोई भी कलर मैच नहीं हुआ है। तो ऐसा हो सकता है आप फिर से वो स्टेप फॉलो करते रहिए। इस स्टेप को आप बार बार फॉलो करिए जब तक आपके सब पीसेस मैच ना हो जाए। तो आप देख सकते हैं मेरे दोनों पीसेस फिर से मैच हो गए हैं। देखिए ये अनट्विस्टेड है पर मैच है, येलो ऑरेंज और ब्लू यहाँ पे सेम है, ऑरेंज येलो और ब्लू। तो देखिए आप ये पीस भी मैच हो गया पर ये अनट्विस्टेड है, ये येलो को टॉप में होना चाहिए पर ये मैच है। और ये भी मेरा मैच है, येलो ब्लू और ग्रीन रेड, ये भी येलो ब्लू और रेड, तो ये दोनों मैच है पर अनट्विस्टेड है। जब कोई भी कॉर्नर पीसेस मैच हो पर अनट्विस्टेड हो तो हमें ये स्टेप फॉलो करना है। अंदर बाहर, बाहर अंदर, अंदर बाहर, बाहर अंदर। अब देखिए मेरा ये कॉर्नर पीस करेक्ट जगह पे लग गया, तो हमें फिर से इस कॉर्नर पीसेस को फिर से अपनी साइड पे लाके फिर सेम स्टेप फॉलो करना है। अंदर बाहर, बाहर अंदर, अंदर बाहर, बाहर अंदर, अंदर बाहर, बाहर अंदर, अंदर बाहर, बाहर अंदर। तो आप देख सकते हैं मेरा टोटल क्यूब सॉल्व हो गया। अगर हमने रेड को रेड मैच कर दिया तो आप देख सकते हैं मेरा टोटल क्यूब सॉल्व हो गया है। थैंक यू।